हेलो स्टूडेंट सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट एम सी क्यू की जो सीरीज़ हमारी है उसमें आज का क्वेश्चन है टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग इज अप्लाइड टू इवेलुएट पूंजी बजटिंग तकनीकी को लागू किया जाता है इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स या इन्वेस्टमेंट इन वेस्टिंग एसेट्स बेसिकली ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जो कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स होती है वो हम अप्लाई करते हैं किस चीज़ को इवालुएट करने के लिए किस चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए तो ये तो हमें पता है कि कैप्टो बस्टिंग की जो टेक्निक्स होती है वो इवेलुएट करती है इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ को मीन्स जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं उनको इवेलुएट किया जाता है और बेस्ट वन को चूज़ किया जाता है पर यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें ये कह रहा है कि हम किस तरह की इन्वेस्टमेंट को इवेलुएट करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के कि फिक्सड एसेट्स के कि करंट एसेट्स के या फिर वेस्टिंग एसेट्स के सो so आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन फिक्सड एसेट्स क्लियर है अब ये फिक्स एसेट्स में क्यों होगा क्योंकि कैपिटल बस्टिंग का जब डिटेल हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि फिक्सड एसेट्स में जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उसी में इन्वेस्टमेंट को उसमें जो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इवेलुएट करने के को ही हम क्या कहते हैं कैपिटल बस्टिंग कहते हैं तो बेसिकली ये इवेलुएट करता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को क्लियर है सो so अगर हम काम करेंगे पहले हम कैपिटल बस्टिंग को भी देखेंगे और ये जितने भी फिक्स एसेट्स करेंट एसेस वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं उनको भी इन शॉर्ट समझ लेंगे तो कैपिटल बस्टिंग क्या होगी कैपिटल बस्टिंग हम डिफाइन करते कैसे एक प्रोसेस में जहां पर बिजनेस डिटरमाइन करती है कि, कि किस तरह का फिक्स से परचेज करना चाहिए या किस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मतलब ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक है या नहीं है ये इवेलुएशन वो कैसे करती है अपने टेक्निक्स के थ्रू मतलब नॉन डिस्काउंटेड एंड डिस्काउंटेड जो टेक्निक्स होती है उनके थ्रू ये इन प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट किया जाता है सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को तो इसीलिए कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है जो एनालाइज करता है इवेलुएट करता है और प्रोटाइज करता है इन्वेस्टमेंट को एक लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स के लिए जो लंबे टाइम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं और हैवी अमाउंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हम ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है और कौन से प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना है तो ये जो इवेलुएशन करना होता है ना उसी को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग ये हमें हेल्प करता है ये डिसीजन मेकिंग टू है जो हमें हेल्प करता है कि हमको ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना चाहिए राइट right? तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हमारा पूरा फुल वीडियो है लेक्चर वीडियो जहाँ पे सारे टेक्निक्स भी क्लियर है और कैपिटल बजिस्टिंग को और डिटेल में समझा गया है तो अब हम बात करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में बात की उन्होंने फाइनेंशियल एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स या वेस्टिंग एसेट ये क्या चीज़ होती है तो अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है तो बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या किसी तरीके का एग्रीमेंट किया जा रहा है जो जो एग्रीमेंट किस लिए किया रहा है कि फ्यूचर में कैश का फ्लो क्या रहेगा मतलब कैश इनफ्लोस या कैश आउटफ्लोस के रिगार्डिंग फ्यूचर में जो कैश का फ्लो होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट किया गया और जो क्लेम करने की पावर मिलती है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली है ना तो या तो इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट्स को होल्ड करना किसी दूसरी एंटिटी के या फिर हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में जो कैश फ्लो ना उसके लिए हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये जो वैल्यू ड्राइव करती है वही हमारा क्या कहलाता है फाइनेंशियल एसेट्स कहलाता है तो ये एक तरीके के लिक्विड एसेट्स होता है जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स पे उनके राइट्स पे कि हम कितना क्लेम कर सकते हैं जो भी हमारी ओनरशिप क्लेम करने की बात होती है उसको हम क्या कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं इसीलिए फाइनेंशियल एसेट्स के लिए कहते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट एसेस है कंपनी का जिसकी वैल्यू किस बात पर डिपेंड करेगी कि आपके पास कितना कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स है इसको इस तरह से समझिए कि जैसे जितने भी डेरीवेटिवस हैं अगर एग्जाम्पल की भी हम बात करें तो जो डेरीवेटिव्स हैं म्यूचुअल फंडस हो गए स्टॉक्स हो गए बॉन्ड हो गए ये सब क्या है यही फाइनेंशियल एसेट्स कहलाते हैं अब डेरीवेटिव में फॉरवर्ड है फ्यूचर है कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन है ये सब क्या है? ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इनमें क्या होता है इनमें सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एक पार्टी को राइट मिल जाता है एक पार्टी को ऑब्लिगेशन बन जाता है और उसकी वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ें वो क्या वैल्यू ड्राइव कर रही हैं क्या वैल्यू वो ऑप्टेन कर रही हैं वही वैल्यू उस एसेट्स की वैल्यू बन जाती है राइट जैसे कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये जो फसल है ये तीन महीने बाद इस प्राइस पर खरीदेंगे हम तो जो भी प्राइस आपने फिक्स की उस पूरे फसल के लिए वही आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई और वही जो वैल्यू हुई वही फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू होगी ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था तो अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये क्या वैल्यू हो होगी वो होगी हो हो म्यूचुअल हो हो तो का ऑप्शन आ गया ना आपके पास एक राइट right होगी कि हम इतनी वैल्यू क्लेम करेंगे ये वैल्यू हमें मिलेगी स्टॉक हो गया बॉन्ड तो इन सबको हम फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं राइट तो कई बार कंफ्यूजन में बच्चे क्या कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल तो याद रखिएगा फाइनेंशियल एसेट्स नहीं वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है कि कैपिटल बस्टिंग किसको इन्वेस्ट कैपिटल को तो बेसिकली फिक्स एसेट्स में ही करते हैं और फिक्स एसेट्स क्या होता है तो फिक्स एसेट्स हम वो एसेट्स कहते हैं जिनको फर्म अपने लिए यूज़ करती है जो फर्दर वो बिजनेस में यूज़ नहीं कर रही है उसको सोल्ड नहीं कर रही है या फिर हम ये कहते हैं कि ये लंबे समय तक जो बिज़नेस में बना रहता है लंबे समय तक जो बिजनेस के लिए रहता है वो सारे हमारे क्या चले जाते हैं फिक्स एसेट्स चले जाते हैं जैसे लैंड हो गया बिल्डिंग हो गई प्लांट मशीनरी होगी व्हीकल्स हो गई इक्विपमेंट्स हो गई ये सारे पेट एंड ट्रेड मर्ग ये सब क्या हो गए हमारे फिक्स एसेट्स हो गए राइट वहीं पर जब हम बात करते हैं कि करंट एसेट्स की करंट एसेट्स क्या होता है तो करंट एसेट्स बेसिकली क्या होता है वो एसेट्स होता है जिसको जो ईजिली कैश में कन्वर्टेबल होता है, है ना? तो मतलब जिनको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम कहते है, ये तीन महीने में लेस देन ट्वेल्व मंथ का पीरियड लगेगा तो हमने उनको उधार दिया भी क्यों था क्योंकि उन्होंने हमसे कोई सामान खरीदा था और बोला कि हम पेमेंट कुछ समय के बाद करेंगे तो हमने कहा कि ठीक है आप तीन महीने बाद पेमेंट कर दीजिएगा तो अब हम ये क्या हो गया ये हमें पता है कि हमें कैश कन्वर्ट हो जाएगा हमें पैसा मिल जाएगा पर अभी नहीं है तीन महीने बाद तो ये मेरे क्या हो गए डेटर बन गए और कहाँ पे चले जाएंगे करंट एसेट्स तो ये, ये ट्रेड रिसिबेबल इन्वेंट्रीज कैश इन हैंड कैश एट बैंक ये सारे क्या कहलाते हैं करंट एसेट्स जो कन्वर्टेबल होते हैं कैश में ईजिली कन्वर्टेबल होते हैं और विद इन अ ईयर ईयर उनका टाइम पीरियड ट्वेल्व मंथ से ज़्यादा का नहीं होता है ठीक है तो ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं वहीं हम बात करते हैं वेस्टिंग एसेट्स की कि वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं देखिए वेस्ट मतलब वेस्ट हो जाना है ना तो ये इस तरह का एसेट्स होता है जिसकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है और वो जो लाइफ होती है वो यूज़ करने की वजह से डिक्रीज़ करती चली जाती है मतलब कंटिन्यूस उसकी जो वैल्यू है या जो उसकी लाइफ है वो डिक्रीज करती चली जाती है तो कहने का मतलब हो गया कि उस वो सारे एसेट्स जिनकी वैल्यू डिक्रीज करती क्योंकि उनको कंटिन्यूसली यूज किया जा रहा है है ना तो उनको हम क्या कहते हैं वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं अगर एग्जाम्पल के लिए हम वेस्टिंग एसेट्स की बात करें तो जैसे माइन्स हो गया नेचुरल रिसोर्स जैसे गैस हो गया टिम्बर हो गया कोल हो गया ये सब क्या है ये सब वेस्टिंग एसेट्स की कैटेगरी में डाले जाते हैं क्योंकि ये एग्जॉस्ट करते हैं ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा उसमें से निकाला जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से तो इसको यूज करने की वजह से ये पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं हैं। तो इसको हम कहते हैं वेस्टिंग एसेट्स है ना तो ये हमारे चार हो गए तो याद रखिएगा कि कैपिटल वेस्टिंग अगर ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं है ऑप्शन में ये सारे हैं कि इन्वेस्टमेंट इनमें से किस में तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिक्स एसेट्स पे हो और ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है सो आई होप आपको क्लियर होगा विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच